बड़वानी के निवाली में सेंधवा रोड पर तमिलनाडु के व्यक्ति और एक स्थानीय व्यक्ति को धर्मांतरण के आरोप में हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। ये लोग कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रलोभन देकर ईसाई पद्धति से प्रार्थना करवा रहे थे। नगर के हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण करवा रहे लोगों के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन भी दिया। हिंदू संगठन प्रमुख योगेश सोनी व कन्हैया अलोनी ने बताया कि 8 दिनों से इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी। ये लोग सिद्धड़ी ग्राम में एक समागम करने की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी रोहित पाटीदार हिरासत में लिए व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। आज हिंदू जागरण संगठन द्वारा 2 व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर लेकर थाने आए थे, जिनके द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया है कि इन लोगों द्वारा क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों को उचित प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसमें आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इनके द्वारा आवेदन दिया गया, जिन लोगों से लेकर आए उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि इन लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बड़वानी से मृदुभाषी के लिए तरुण कुमार गोले की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।